हेलो दोस्तों, मैं विकास गुप्ता आप लोग का स्वागत करता हूं गुप्ता टेक्निकल 7.0 में। आज हम जानने वाले हैं चार्ल्स ला के बारे में, एकदम बेसिक चीज़ें डेली लाइफ में कि ये चार्ल्स ला हमारे चारों तरफ, मतलब अगल बगल हमेशा हम चार्ल्स ला पे काम करते हैं लेकिन हमें पता नहीं चलता कि हाँ ये चार्ल्स ला है। तो चलिए हम समझते हैं। ये मान लीजिए एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, एक गर्मी का मौसम है और दूसरा ठंडी का मौसम है। तो गर्मी के मौसम में क्या होता है, देखते होंगे जो लोग रहते हैं जनरली वो दूर दूर रहते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये गर्मी का मौसम है तो यहाँ पे जो लोग रहेंगे कि यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे यहाँ पे, तो बड़े दूर दूर रहेंगे जनरली। और दूसरा एक ले लीजिए ठंडी का सीज़न। ठंडी के मौसम में क्या होता है, लोग ज़्यादातर देखेंगे कहीं भी पास पास रहते हैं, पास पास रहने में उनको कोई दिक्कत नहीं होती है। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ऐसे ऐसे मान लीजिए ये लोग हो गए, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, इसको भी कर लेते हैं, अभी देखिए एकदम बेसिक से समझते हैं। अभी गर्मी का मौसम है और लोगों को बोला जाए पास पास रहने के लिए तो क्या बोलेंगे, अरे यार थोड़ा दूर दूर रहो यार, गर्मी लग रही है। और ठंडी में क्या है, थोड़ा पास पास में भी रहेंगे, मतलब पास पास रहेंगे तो इनको कोई दिक्कत नहीं होगी, बोलेंगे कोई बात नहीं ठंडी का मौसम है चलेगा। तो इसमें क्या देखते हैं, गर्मी में जो टेम्परेचर रहता है ना वो ज़्यादा रहता है और ठंडी में जो टेम्परेचर रहता है वो क्या रहता है, वो कम रहता है। तो देखते होंगे गर्मी में जो है ना ज़्यादातर लोग दूर दूर रहते हैं, यानी कि जो इसका जो वॉल्यूम है ना, जो आयतन है ना वो इतना हो गया, यानी कि दूर दूर, यानी कि वॉल्यूम इसका क्या है, बढ़ गया। उतने ही लोग गर्मी के सीजन में थोड़ी दूर दूर पर बैठेंगे तो उसका वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया। और ठंडी में वही लोग इतने ही दूर में यानी कि कम जगह में ही बैठ सकते हैं आराम से, उनको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, वॉल्यूम घट गया, यानी कि यहाँ पे देखिए टेम्परेचर यहाँ की अपेक्षा क्या है, घट गया, यानी कि टेम्परेचर कम है तो इसका वॉल्यूम भी कम है, और यहाँ पे टेम्परेचर अधिक है तो इसका वॉल्यूम भी अधिक है। यानी कि इससे ये हमको समझ में आ रहा है कि जो नंबर ऑफ पर्सन है यानी कि लोग हैं वो एक ही बराबर है, यानी कि 10 लोग या 11 लोग को अगर गर्मी में कह दिया जाए बैठने के लिए तो वो पास पास उतना नहीं बैठेंगे, थोड़ा दूर दूर बैठेंगे यानी कि ज़्यादा जगह घेरेंगे। और उन्हीं लोगों को 10-11 लोगों को अगर ठंडी के मौसम में कह दिया जाए पास में बैठने के लिए तो वो गर्मी की अपेक्षा थोड़ा पास पास में बैठेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर कम है। दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, अभी देखिए मान लीजिए एक कोई बर्तन ले लिए, ठीक है, अभी इसमें यहाँ तक दूध भरा हुआ है, ठीक है ना, यहाँ तक दूध भरा हुआ है एक बर्तन ले, ये सामान्य एकदम इजी एक है, ये लगभग सब कोई देखा हुआ है। अब दूध को ले लिए कोई बर्तन में, इसको गर्म करना चालू कर दिए, ठीक है, इसको गर्म करना चालू कर दिए। तो अभी यहाँ पे इसका वॉल्यूम कितना था, यहाँ तक था, जो इतना जगह ये घेरा हुआ था। जैसे जैसे उसको गर्म करेंगे यानी कि यहाँ पे टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। देखिए दूध आधे लीटर है, मान लीजिए आधा लीटर लिए तो आधे लीटर है, अब उसमें बार बार हम दूध नहीं डाल रहे हैं, उतना ही दूध रखिए, यानी कि जो उसका मास है ना वो कॉन्स्टेंट रखिए, जो चीज़ है ना उसको एक बराबर रखिए। और देखिए जो बाहर का मतलब इसको कुछ ढके उके नहीं है, ठीक है ना, प्रेशर वेशर में कोई बदलाव हम नहीं कर रहे हैं, एकदम बराबर है जैसे पहले है वैसे है। अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, दूध पहले यहाँ था अब यहाँ तक हो जाएगा, और गर्म करेंगे थोड़ा यहाँ तक हो जाएगा, और गर्म करेंगे थोड़ा यहाँ तक हो जाएगा, और फिर क्या है बाहर भी निकलने लगता है। यानी कि इससे हम ये देखते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं ना तो इसका वॉल्यूम बढ़ रहा है। यदि हम किसी प्रेशर को अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो प्रेशर में कोई चेंजिंग नहीं कर रहे हैं, यानी कि प्रेशर को कांस्टेंट रख रहे हैं,
तो इसका जो आयतन है ना, ये जगह घेरने का जो, ये बढ़ रहा है धीरे धीरे। अगर उसी जगह पे देखिए, अगर हम दूसरा एक कुकर ले लिए मान के चलिए, तो कुकर में क्या है, ये ढक देते हैं, बंद रहता है, ठीक है ना, ये सीटी हुआ जो भी है। इसको जब हम गर्म करते हैं, ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ तक हम पानी ले लिए जो भी है, चावल वावल ले लिए, ठीक है ना। अब इसका जो आयतन है ये इतना ही है, मतलब फिक्स है। तो जैसे जैसे यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना, तो इसका आयतन तो यहाँ पे नहीं बढ़ रहा है, यहाँ पे इसका आयतन नहीं बढ़ रहा है, लेकिन इसका प्रेशर बढ़ेगा। तो ये वाला चाल सला नहीं है। यदि हम टेम्परेचर बढ़ाएं और प्रेशर को कांस्टेंट रखें तो वॉल्यूम बढ़ेगा, ये कहता है चाल सला। देखिए इसका जो स्टेटमेंट है क्या कहता है, एट अ कांस्टेंट प्रेशर, यानी कि प्रेशर में हम कोई बदलाव नहीं कर रहे हैं, फॉर अ गिवन मास, जो अमाउंट है यानी कि जो मास है उसमें भी हम चेंजिंग नहीं कर रहे हैं, मास कांस्टेंट हो गया और प्रेशर कांस्टेंट हो गया, उस कंडीशन में द वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो उसका जो वॉल्यूम होगा ना, वो मास का जो चीज़ है हमारे पास, उसका जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, या फिर वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा। ये एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा, एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। यहाँ पे एब्सोल्यूट का मतलब ये कह रहा है ना कि जो टेम्परेचर को मेजर करेंगे वो केल्विन में करेंगे। जैसे टेम्परेचर की यूनिट होती है ना डिग्री सेंटीग्रेड, ये केल्विन, डिग्री फारेनहाइट, तो यहाँ पे केल्विन की बात कर रहे हैं, परम ताप यानी कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यानी कि केल्विन में उसको मेजर करेंगे टेम्परेचर को। वही बात है हिंदी में बोला गया, चार्ल्स के नियमानुसार निश्चित दाब पर दिए गए किसी निश्चित द्रव्यमान का आयतन उसके परम ताप के समानुपाती होता है। देखिए यानी कि ये क्या बोल रहा है, एट अ कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर कांस्टेंट है और क्या है मास, ये भी कांस्टेंट है। तो ये बोला है जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जो ये टेम्परेचर होगा, जो ये टेम्परेचर, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होगा, ठीक है। तो यानी कि टेम्परेचर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो एक के आ जाएगा वी। ये के क्या है, के क्या है, चार्ल्स कांस्टेंट, यानी कि प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, तो ये है टी अपान वी बराबर के, ये है चार्ल्स का नियम, ये चार्ल्स का नियम। आइए इसको ग्राफ के माध्यम से देखते हैं। ग्राफ में देखिए यानी कि ये जीरो पे है, जैसे जैसे टेम्परेचर इधर की तरफ हम बढ़ाएंगे, देखिए ये जो टेम्परेचर है ये ग्राफ के ऐसे ऐसे जा रहा है, वैसे वैसे वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, यानी कि वॉल्यूम इधर भी बढ़ रहा है, यानी कि जो ये ग्राफ होगा ना एकदम ये सीधा होगा, एक डायगोनल होगा, ये कर्व नहीं होगा, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। यही है चार्ल्स लॉ, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।